राम, आज हम बात करने वाले हैं सेक्स क्रोमोसोम की जो एबनॉर्मेलिटी है, जिनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जो इंडिविजुअल है उनमें, सेक्स क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी की वजह से जो सिंड्रोम या जो डिसीज़ होती है उनके बारे में। पहले हम बात करेंगे सबसे पहले टर्नर सिंड्रोम की। ये आपके 12th चैप्टर में है, प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। टर्नर सिंड्रोम कैसा सिंड्रोम है? इस सिंड्रोम में एक वाई क्रोमोसोम जो होता है वो अब्सेंस हो जाता है। मान लो किसी इंडिविजुअल में एक्स क्रोमोसोम आया है कहाँ से? फीमेल से। और वाई क्रोमोसोम आना था कहाँ से? मेल से। लेकिन वाई क्रोमोसोम ना करके सिर्फ एक्स क्रोमोसोम रहता है, तो इस कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं? एक्स नोट। इसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं, इसको एक्स नोट से भी डिनोट करते हैं, इस तरह से। एक्स ओ नहीं है, ये एक्स नोट। तो इसलिए हमने लिखा है पॉजेस ओनली वन एक्स नॉट वाई। जब वाई क्रोमोसोम नहीं है यानी कि एक क्रोमोसोम कम हो गया, इसलिए हमने क्या लिखा है? 2n क्या होता है? 46, यानी कि डिप्लोइड नंबर जो होता है हम 46 को 2n लिखते हैं। तो 2n यानी कि 46 माइनस वन इज टू, इसके जो क्रोमोसोम नंबर होता है 45 होता है। इसके फीचर देख लीजिए, फिनोटाइपिकली क्या होते हैं, ऐसे जो इंडिविजुअल होंगे वो फिनोटाइपिकली देखने से फीमेल लगते हो। स्टेराइल भी होते हैं, क्योंकि इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, ऐसी फीमेल्स के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, ओवरीज वगैरह होती है, सेक्स जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो अंडर डेवलप रह जाते हैं, उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से स्टेराइल यानी कि बांझ होते हैं। ड्वार्फ ये छोटे होते हैं, इतने भी छोटे नहीं, 4 फीट 10 इंच के आसपास इनकी हाइट रहती है। फ्लैट चेस्ट, इनकी जो ब्रेस्ट होती है वो पूरी तरह से उभार नहीं ले पाती, फ्लैट होती है चेस्ट बिल्कुल, जबकि उनका जो निप्पल होता है वो पूरी तरह से फैल चुका होता है। नॉर्मल फीमेल, ये जो ऐसे जो सिंड्रोम वाले फीमेल होती है वो चाइल्डहुड में नॉर्मल फीमेल की तरह से दिखते हैं, लेकिन जैसे ही वो एडोलसेंस स्टेज में आएगी तो उनमें ये सारे कैरेक्टर्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। फ्लैट चेस्ट हो जाएगी, निप्पल स्प्रेड हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगी, स्ट्राइल हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑपरेशन नहीं होगा। तो ये चाइल्डहुड में नॉर्मल फीमेल की होती है, लेकिन एडोलसेंट एज में आकर के उनके सारे कैरेक्टर दिखते हैं। लैक फीमेल सेक्स हार्मोन, और इनके अंदर फीमेल सेक्स हार्मोन जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है, जैसे कि आवाज़ का पतला होना, और जो आर्मपिट और ग्रियोन रीजन में जो हेयर का डेवलपमेंट होता है वो भी नहीं होना, और भी ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट या मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑपरेट होना, ये सब नहीं होना आता है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं होता। ऐसी फीमेल्स हर एक 5000 जन्म में से एक जन्म ऐसी ही फीमेल का होता है जिनको टर्नर सिंड्रोम होता है। दूसरे सिंड्रोम की हम बात करें, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइसोमी हो जाती है एक एक्स क्रोमोसोम की। नॉर्मली क्या होता है कि फीमेल से एक एक्स आता है, मेल से एक वाई आता है, जबकि फीमेल के अगर ओवा में एक एक्स ना आकर के दो एक्स हो जाए तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ये एक्स एक्स वाई। तो इसमें हमने क्या लिखा है, ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, और सेक्स क्रोमोसोम भी किसका, एक्स का। तो सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाएंगी, तीन हो जाएगी, पेयर में ना होकर के ट्रिपलेट हो जाएंगे, इसलिए एक फालतू हो गया है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर जो था डिप्लोइड, क्या बोलते हैं हम टोटल नंबर को, 2n। तो 2n में एक फालतू हो गया, तो 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 47 बेस से भी इसको डिनोट करते हैं। दीज मेल, अब क्योंकि ये मेल होंगे, देखो क्योंकि वाई क्रोमोसोम है इसलिए मेल होंगे, और ऐसे मेल में क्योंकि दो एक्स क्रोमोसोम भी है इसलिए फीमेल के कैरेक्टर भी आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है दीज मेल रिमेन अंडर डेवलप्ड इन चाइल्डहुड, ये बचपन से ही अंडर डेवलप रहते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली ग्रोथ करेंगे चाइल्डहुड में, ये चाइल्डहुड से ही पता लग जाता है कि ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। डेवलप फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होना, इस तरह के कैरेक्टर ये मेल शो करते हैं, जिनको गाइनेकोमेस्टिया बोलते हैं, ऐसे को कंडीशन को गाइनेकोमेस्टिया कंडीशन बोली जाती है। ऐसे मेल जिनके अंदर फीमेल के कुछ कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं उसको गाइनेकोमेस्टिया बोलते हैं। ये था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तीसरा जो आता है वो जैकबसन सिंड्रोम या क्रिमिनल सिंड्रोम आता है। अगर किसी इंडिविजुअल में, जैसे यहाँ पे एक एक्स एक्स्ट्रा हुआ है, अगर वाई एक्स्ट्रा हो जाता है, देखो प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा वाई, यानी कि एक्स वाई वाई रहेगा, यानी कि ये भी एक फालतू है, इसलिए 2n प्लस 1 47 से ही लिखा जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आप ये सोचें कि मैं 47 क्यों लिख रहा है जब पहले ही बता दिया एक एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उनमें इस तरह के ऑप्शन बहुत मिलते हैं, 47, 2n प्लस 1 या 2n प्लस 1 प्लस 1 या 2n माइनस 1, ठीक है। ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं उनकी अनयूजुअल हाइट होती है, अनयूजुअल का मतलब कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है। मेंटली रिटार्डेड, दिमाग से वो रिटार्ड होते हैं, अच्छी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता। क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड सिंस बर्थ, बचपन से ही क्रिमिनल टाइप के माइंड के होते हैं, और इनके जेनिटल ऑर्गन जो होते हैं, जितने भी सेक्स
ऑर्गन होते हैं उनके अंडर डेवलप रहते हैं, पूरी तरह से डेवलप नहीं होते, और इस तरह के मेल हर 300 मेल में से एक मेल ऐसा ही पैदा होता है। तो ये कुछ रहे थे सिंड्रोम जो आपके 12th चैप्टर में, 5th जो चैप्टर है प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस उसके थे, वो भी सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी के अंदर ये तीन ही आते हैं। ठीक है, आपकी 12th थी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वैसे तो बहुत सारे सिंड्रोम हो सकते हैं लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो ये दो ही थे, मैंने एक और फालतू लिख दिया। ठीक है, जय श्री राम। इससे आगे के अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं कमेंट करके।